हेलो स्टूडेंट, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो है ने क्लास टेंथ का सिलेबस है वो जारी कर दिया है। कितना सिलेबस कम किया गया है, कितना है वो पढ़ना है हमें परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको क्लास टेंथ का साइंस का सिलेबस है वो कितना क्या आएगा। समय वही पेपर का 3.25 घंटे रहेगा और प्रश्न पत्र है वो कितने 80 अंक का रहेगा। टोटल वो पूर्णांक वो 100 नंबर का रहेगा। तो हमारे पास जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं देखना। इकाई मानव शरीर एवं क्रियाएं पहला है। दूसरा फर्स्ट इकाई में कौन कौन से टॉपिक हैं देखो, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य ये टॉपिक रहेगा। दूसरा है मानव तंत्र, तीसरा अनुवंशिकी, चौथा है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ये जो टॉपिक हैं वो आपको पास देखो इकाई सेकंड में मिलेगा। पदार्थ एवं क्रियाएँ जिसमें इकाई सेकंड कौन सा यूनिट नंबर 5 है। दैनिक जीवन में रसायन है जिसमें ये सब दिया हुआ है आपको, यूनिट नंबर 6 है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, फिर 7 और 8 है वो चैप्टर हटा दिया गया है एग्ज़ाम में से या फिर सिलेबस में से इसी साल के लिए रहेगा। भौतिक घटनाएं यूनिट इकाई नंबर 3 है उसमें भौतिक घटनाएं में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। प्रकाश रहेगा, 10 का जो टॉपिक है वो यूनिट है वो हटा दिया गया है। 11 का रहेगा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति रहेगा आपके पास। इकाई नंबर 4 में प्राकृतिक संसाधन में आपके पास 12 का रहेगा प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। फिर 13 का वो हटाया गया है। 14 का पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। 15 का पृथ्वी अंतरिक्ष, पृथ्वी की 16 इकाई नंबर 5 में है पृथ्वी की संरचना। 15 का 16 और 17 दोनों टॉपिक का वो यूनिट है वो हटा दिए गए हैं। 18 का भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय उपलब्धियाँ। इकाई 6 में पर्यावरण के बारे में बताया गया जिसमें जैव विविधता एवं इसकी संरक्षण। ये थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस है वो आपके पास जारी कर दिया गया है। इसमें देखो जो टॉपिक उठाए गए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं पूरे। मानव शरीर क्रिया में मानव तंत्र उठा दिया गया है। दूसरा पदार्थ क्रिया में परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है उसको उठा दिया गया है। यहाँ से जो आवर्ती प्रेडिक्टेबल होती है ना उसको उठा दिया गया है। पदार्थ क्रिया कार्बन एवं उसके यौगिक को भी उठा दिया गया है। 9 का प्रकाश लाइट भौतिक में और 10 का विद्युत धारा है इनको यहाँ पर उठा दिया। ये सब हैं 1 2 3 तो इस प्रकार है इनको हटाया गया है यहाँ से। तो ये सिलेबस आपके पास आ चुका है। अब इससे आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से मजबूत है वो कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये हटाए हुए टॉपिक है आप इस वीडियो दोबारा देख सकते हो जिससे आपको और पता चल जाएगा आसानी से कि कौन कौन सा टॉपिक है वो हटा दिया गया, कौन कौन सा टॉपिक है वो छोड़ा गया है। धन्यवाद।